तो BGMI के अंदर 3.4 अपडेट आए हुए 3 दिन हो चुका है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों, जब से BGMI के अंदर ये नया अपडेट आया है, BGMI के अंदर कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जी हाँ, आपको पता है गेम कितना ज़्यादा स्टक हो रहा है भाई। गेम ऑटो बैक हो जाता है, गेम के अंदर इतना ज़्यादा लैग है, गेम का पिंग का इशू है भाई, गेम के अंदर बहुत सारे इशू है। और क्राफ्टन इस चीज़ को एड्रेस क्यों नहीं कर रहा है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। क्या BGMI आने वाले टाइम में पूरी तरीके से डेड होने वाला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और भाई ये जो BGMI क्राफ्टन इंडिया में एक्चुअली में कर क्या रहा है, उसका फोकस क्या है, A to Z इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। और क्या आप लोगों को पबजी मोबाइल ग्लोबल जैसा स्मूथ गेम प्ले BGMI के अंदर देखने के लिए आने वाले टाइम में मिलेगा, A to Z इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो सारी चीज़ें तो बताऊंगा कि मैं आपको, उससे पहले आप लोग अपने दिल का हाल, जो आप लोग खेल रहे हो ना BGMI अपने डिवाइसेस में, आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है आप मुझे कमेंट करके बताओ। एनीवेज, जो अभी आप लोग गेम प्ले देख रहे हो, लिटरली ये मैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन में खेल रहा हूँ। और भाई ये ना इतना मक्खन चलता है ना, और आपको पता है कि पबजी मोबाइल इंडिया में चलता भी नहीं है दोस्तों। और आपको पता है ये सेटअप है ऑफिशियल वेबसाइट वाला, और आप लोग गेम प्ले देख के अंदाज़ा कर ही लोगे कि भाई कि ये जो पबजी मोबाइल ग्लोबल है ये कितना स्मूथ चलता है BGMI से, ठीक है। अब देखो दोस्तों, BGMI के अंदर स्मूथ नहीं चलने का बहुत सारा रीज़न है। आपको पता है दोस्तों कि BGMI दोस्तों आप लोग का एक रीजनल गेम है, और दोस्तों जो पबजी मोबाइल ग्लोबल की जो आप लोगों को जो भी आपका जो स्मूथनिंग है, ऑप्टिमाइजेशन है, वो भाई BGMI के सामने, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब एक तरीके से BGMI इसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग देखो भाई कितना, जरा सा भी फ्रेम ड्रॉप आपको दिख रहा है। ये दोस्तों आई थिंक ये आपका 60 FPS में चल रहा होगा गेम प्ले, और आप लोग देखो भाई मस्त, मैं अच्छे से मस्त खेल पा रहा हूँ, ठीक है। और ज़रा सा दोस्तों, अगर ये BGMI में मैं खेल रहा होता ना, एक बार में अगर 4 बंदे सामने में उतर जाते तो भाई गेम का ना मतलब बुरा हाल हो जाता है भाई। गेम इतना ज़्यादा लैग करता है कि भाई आप किस समय मरोगे, किस समय लॉबी पहुँचे, कुछ नहीं कह सकते हैं भाई। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अभी दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी iPhone 16 लॉन्च हुआ, 16 प्रो लॉन्च हुआ भाई। iPhone जैसे डिवाइस में, जो लेटेस्ट iPhone आया उसमें गेम लैग कर रहा है। जी हाँ, मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे देख रहा था, मैं ना ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा, पहले तो मैं खुद भी इस चीज़ को फील कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह कि भाई बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भाई भी इंस्टाग्राम पे भाई मेरे को मेंशन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, स्क्रीनशॉट तो मेरे को डेली कोई ना कोई तो भेज ही देता है DM में कि भाई गेम इतना ज़्यादा स्टक क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, कब ठीक होगा। तो देखो प्रॉब्लम तो भाई गेम के अंदर है, और क्राफ्टन इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, इसका भी जो मैंने आपको एक प्रॉपर रीज़न देता हूँ कि ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्राफ्टन का इंडिया के अंदर अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं, तो इंडिया के अंदर क्राफ्टन का ना पूरा पूरी फोकस है भाई आप लोगों का ई स्पोर्ट्स में। जी हाँ, आपको पता है कि BGMI ना, मतलब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो ऑप्टिमाइजेशन में ना वो जीरो है, लेकिन अगर ई स्पोर्ट्स के अगर आप लोग देखोगे मुकाबले में, तो ई स्पोर्ट्स में BGMI बहुत अच्छा कर रहा है। आप लोग देखोगे कि भाई टाइम टू टाइम इनके नए इवेंट्स आते रहते हैं, BMPS आता है, उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे इवेंट्स, इनका अभी ऑफिशियल लैन इवेंट भी इनका होने वाला है कोची में, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों उसमें आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी, आप मुझे ये कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो ई स्पोर्ट्स में दोस्तों पूरा फोकस है, ठीक है, क्राफ्टन का, लेकिन गेम ऑप्टिमाइजेशन पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब देखो भाई इनके भी ना कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं, मैं आपको जहाँ तक मेरे को लगता है, आपको पता है कि भाई BGMI जब इंडिया में आया तो भाई पूरी तरीके से गवर्नमेंट इसको ना एक तरीके से मॉनिटर करी है, पूरी तरीके से सब कुछ चेक वेक करके गेम को जो इंडिया के अंदर लाया गया है, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों कि BGMI जो है ना पबजी मोबाइल जैसा जो है ना ऑप्टिमाइज नहीं है, सबको पता है, ठीक है। और इसके रीज़न सिंपल से मैंने आपको बताया कि भाई क्राफ्टन ये कर ही नहीं सकता है, ऐसा कर ही नहीं सकता है भाई, उनका मतलब करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं ट्रैक हो जाएगा। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू जो गवर्नमेंट हमेशा ताक में लगा रहता है ना BGMI के पीछे, वो है सर्वर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका सर्वर ही भाई सही जगह पर नहीं है, जिस वजह से जो सर्वर इश्यूज़ है ना वो बहुत गंदा आता है, ठीक है। आप लोग भाई बहुत रेयरली सुनते होंगे पबजी मोबाइल ग्लोबल में जो है ना सर्वर का इशू होता है। जी हाँ, BGMI के अंदर कोई भी मेजर अपडेट आता है ना, उसमें सर्वर इशू, लैग इशू, ना जाने कितना ज़्यादा ग्लीचेज आता है भाई कोई भी नया अपडेट आता है। हालांकि जी हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई ये जो ग्लीचेज है ये आपका जैसा अभी आपका ग्लिच हो रहा है वैसा ही होता रहेगा, ये लोग थोड़ा बहुत जो ना पैच अपडेट टाइम टू टाइम देते हैं और इसको ना फिक्स करने का ट्राई करते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ें 100% फिक्स नहीं होती है। आप किसी भी BGMI लवर से पूछ लो, उसके पास कितना अच्छा भी डिवाइस होगा, IQ का कोई गेमिंग फ़ोन होगा, या फिर बहुत सारा दोस्तों ROG रोग वाला जो डिवाइसेज होता है गेमिंग फ़ोन, ये सारे डिवाइसेज भी ना BGMI के मतलब डिवाइसेज के अंदर BGMI अच्छे से रन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सब लोग ऑब्वियसली भाई मतलब डेफिनेटली भाई अगर किसी के पास अच्छा डिवाइस है और भाई BGMI जैसा गेम नहीं चलेगा तो वो तो शिफ्ट करेंगे दूसरे गेम में। तो मेरे को बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो जिनके पास अच्छा डिवाइस है, इंडिया से है, लेकिन वो BGMI नहीं खेलते, वो खेलते हैं पबजी मोबाइल ग्लोबल। जी हाँ, अब भाई
रीजन सिंपल सा है, गेम अच्छा चल नहीं रहा है तो भाई क्या ही खेलेंगे, ठीक है। और ऑब्वियस सा बात है दोस्तों, गेम अच्छा नहीं चलेगा, काफी सारे स्ट्रीमर को आप लोग देखते होंगे कि वो लोग BGMI नहीं खेल कर खेलते हैं क्या, पबजी मोबाइल ग्लोबल, इनफैक्ट वो लोग स्ट्रीम भी करते हैं, आप लोग देखते होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस भी यही चाहती है कि स्मूथ गेम प्ले देखने को मिले। गेम प्ले क्या है, इज अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो गेम प्ले लोगों को एंटरटेन करता है, जो भी गेमर्स है, जो भी गेम खेलना पसंद करते हैं, गेम देखना पसंद करते हैं। तो अगर अच्छा नहीं चलेगा तो कोई भी स्ट्रीमर का स्ट्रीम कोई देखेगा? आप ही अगर आपका ही मैं अगर एग्जांपल लूँ, जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, आप देखोगे किसी ऐसे स्ट्रीमर के स्ट्रीम को जिसका स्ट्रीम पूरा लैग कर रहा है, ग्लीच कर रहा है, फंस रहा है भाई, उतरते ही भाई यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कब मर रहा है, कब फिनिश हो रहा है। तो डेफिनेटली भाई ये सोचने वाला बात है, आई थिंक क्राफ्टन को इसको कंसिडर करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए गेम ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, और भाई गेम के अंदर जो इतने सारे हैकर्स है इसका कुछ जुगाड़ करना चाहिए भाई। अभी आपको पता है कि BGMI का एक ऑफिशियल टूर्नामेंट होने वाला है, आपको पता है गवर्नमेंट के साइड से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी जा रही है। अगर भाई वहाँ पर BGMI के अंदर वो इवेंट में हैकर वैकर खेल के भाई लेजिट बंदे को मारेगा तो आप सोचो BGMI का किस लेवल पर बदनामी हुआ। क्या पता दोस्तों गवर्नमेंट BGMI को बैन भी कर दे। BGMI का मतलब गवर्नमेंट का कुछ नहीं कह सकते भाई, थग लाइफ है, दो बार बैन कर दिया है भाई, तीसरे बार बैन करने में इनको जरा भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को सुधार करना चाहिए। ई स्पोर्ट्स सबका अच्छा चल रहा है, फोकस कर रहे हो भाई, वेल एंड गुड, बट गेम के ऑप्टिमाइजेशन को भी पर भी फोकस करो, वो भी एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। प्लेयर बेस उससे बढ़ता है भाई, प्लेयर बेस डिसाइड होता है, अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो भाई प्लेयर गेम को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। एनीवेज आपका जो भी इसके ऊपर ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताना, और आप क्या सोचते हो सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया, आप एग्री करते हो उससे या डिसएग्री करते हो कमेंट करके बताओ। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना। BGMI का नेक्स्ट अपडेट जो 3.5 आ रहा है इससे रिलेटेड मैंने लीक्स डाला है सुबह में, काफ़ी सारे जो गन स्किन्स है, जो आपका मोड आ रहा है उसका गेम प्ले भी मैंने दिखाया है, जाके चेकआउट कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बाय गाइज़।